अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की हम इस वीडियो में अपनी आपके लिए लेके आए हैं स्केलर्स और वेक्टर्स क्वांटिटीज़ का डिफरेंस। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ व्हिच आर कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाई इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। ये किससे डिस्क्राइब की जा सकती हैं? मैग्नीट्यूड से, डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब की जा सकती हैं। वो क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, टाइम, लेंथ, ईटीसी आर दी एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़। ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब की जा सकें, बयान की जा सकें, वो कहलाती हैं हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़। ऑन द अदर हैंड आई विल टेल यू अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज़। व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज़? वेक्टर क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड as well as direction are called vector quantities। ऐसी quantities जो अपने magnitude और direction के साथ describe की जा सके वो कहलाती हैं हमारे पास vector quantities। For example, force, velocity, acceleration, etc., etc. are the examples of vector quantities। This is our topic for today। What is the difference between scalar and vector quantities? And these are examples of scalar and vector quantities। Thank you so much for watching this video। Don't forget to subscribe my channel।